नमस्कार, आप देख रहे हैं यश टीवी। अब वक्त है यमुनानगर के कुछ खास अपडेट्स का। शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल के पैतृक गांव बहादुरपुर में गुरुवार देर शाम एक तेंदुआ घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण जाग कर रात बिताने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ पिछले 3-4 दिनों से गांव के आसपास घूमता देखा गया है। यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वेदपाल एडवोकेट को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनकी देखरेख में इन दोनों पदों के लिए भाजपा की तरफ से न केवल उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, बल्कि उनके पक्ष में पार्षदों को भी एकजुट किया जाएगा। दरअसल प्रदेश के 5 शहरों में नगर निगम के चुनाव हुए 2 साल बीत गए हैं। तब से लेकर अब तक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं किया जा सकता है। झज्जर और रेवाड़ी के स्कूल में विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने विद्यार्थियों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से विशेष टीमें बनाई हैं, जो प्रतिदिन स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों के सैंपल लेगी। वीरवार को बिलासपुर में 50 विद्यार्थियों के सैंपल लिए गए। ओएलएक्स पर वॉशिंग मशीन खरीदने की बात कहकर एक व्यक्ति ने ऑनलाइन पेमेंट करने के बहाने युवती के खाते से 98,985 रुपए उड़ा लिए। आरोपी ने खुद को फौजी बताकर युवती को अपने जाल में फंसाया। इसके बाद मशीन खरीदने के लिए रुपए भेजने की बात कहकर आरोपी व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर QR कोड भेजे, उसे स्कैन करने को कहा। जैसे ही युवती ने QR कोड स्कैन किया, उसके खाते से रुपए साफ हो गए। अब आरोपी यह रुपए वापस नहीं कर रहा है। परेशान होकर युवती ने पुलिस केस दर्ज कराया। कोरोना के चलते इस बार गुरु नानक देव जयंती पर कपाल मोचन में राज्य स्तरीय मेले का आयोजन नहीं होगा। मेला नहीं लगने से जगाधरी की बर्तन नगरी को 8 से 10 करोड़ रुपए का घाटा होगा। मेला शुरू होने से आखिरी दिन तक जिले में बर्तनों का अच्छा कारोबार होता था। मेले का आयोजन नहीं होने से बर्तन कारोबारियों में मायूसी देखी जा रही है। ये थी यमुनानगर की कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसी ही अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए यश टीवी। नमस्कार।